आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। अत्याधुनिक तकनीक से डिब्रूगढ़ में निर्मित आयकर भवन का शुभ उद्घाटन। अति आधुनिक तकनीकी शैली से डिब्रूगढ़ में निर्मित आयकर भवन का विधिवत तरीके से उद्घाटन किया गया। इस आयकर भवन के खुलने से शहर के चिरपरिचित सीआर भवन को एक नया ठिकाना मिल गया है। सीआर भवन अब नए नाम आयकर भवन के साथ लोगों के बीच जाना और पहचाना जाएगा। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने इस नवनिर्मित आयकर भवन का उद्घाटन किया। राज्य में सर्वाधिक परिमाण में कर वसूली करने वाले जिले के रूप में प्रसिद्ध डिब्रूगढ़ में आधुनिक शैली में दफ्तर बन जाने के कारण कर्मचारियों को काम करने में काफी सहूलियत होगी। वहीं दूसरी तरफ इस आयकर भवन के उद्घाटन के पहले आयकर विभाग के शीर्ष अधिकारियों को लाचित नगर में हाल ही में बने आवासीय कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया। 20 करोड़ रुपए की लागत से बने इस आयकर भवन के उद्घाटन समारोह में उत्तर पूर्व के मुख्य आयकर आयुक्त राजू टायंग, गुवाहाटी के मुख्य कर आयुक्त एन के अलावा आयकर विभाग से अति विशिष्ट अधिकारी मौजूद नजर आए। इनकम टैक्स ऑफिस डिब्रूगढ़, इट्स अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग। अभी तक तो हम लोग रेंटेड प्रीमाइसेस में था एंड ये बिल्डिंग वाज अर्लियर सीआर बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स करते थे, सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग। हम कस्टम्स एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मिलके थे, अभी वो बाइफोकेट हो गया। सो इनकम टैक्स का शेयर अलग हो गया, कस्टम्स का शेयर अलग हो गया, और ये जो ऑफिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया हुआ है ये हम लोग का इनकम टैक्स का शेयर में है। बिल्डिंग का डिज़ाइन हम लोग ऐसे इंकॉर्पोरेट किया ताकि सबको नेचुरल लाइट को जितना हम यूटिलाइज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल एकदम कम होगा। पूरा फ्लोर्स में आप जाके देखेंगे तो ये बड़ा बड़ा ग्लासेस जो है दिल कैप्चर अ लॉट ऑफ नेचुरल लाइट। और हम लोग ने बहुत ध्यान दिया है कि मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम लोग को टैक्स पेयर सर्विसेज जो प्रोवाइड करना है, टैक्स पेयर सर्विसेज जो प्रोवाइड करने, वो भी आके एक अच्छा जगह में बैठे इनको क्वेरीज रिजॉल्व करें। सो देखिए, आप लोगों ने भी इसका अभी विजिट किया होगा, आपने देखा होगा, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है, बहुत ही प्यारा प्लानिंग किया हुआ है, सनलाइट इतना आ रहा है, द फोयर इज सो ग्रैंड, द बिल्डिंग इज ग्रैंड एंड इट विल कवर, इट विल कैटर टू द नीड्स ऑफ द डिपार्टमेंट इन टाइम्स टू कम, इवन इफ व्हेन वी एक्सपेंड एंड वी आर ट्राइंग टू एक्सपेंड इन फ्यूचर, सो इट विल बी एबल टू कैटर टू अवर नीड्स एंड इट्स अ व्हाट आई फोरसी। आई हैव नेवर बीन टू दिस टाउन अर्लियर एंड व्हाट आई सी विद द न्यू कॉलोनी व्हिच हैज कम अप, it will be real good for our staff and officers and they will be benefited in the long run. So, sustainable items have been used, like I'm not sure whether it is a green building, but as I'm told that we have utilized all the items which are locally developed, and I'm told by the CIT administration that we are encouraging the local people to register on GEM, because we procure items from GEM, which is the platform for procurement of the Government of India, and it's a very good initiative taken by the local administration for sustenance of our local people, and then the craft and art which they are able to propagate through centuries, and so it will be a very good initiative. It is a good initiative on the part of the local administration. आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।